नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। कार्यक्रम की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर किया याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश की 4 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति कोविंद आज रहेंगे अयोध्या में। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने तालिबान को बना डाला बहुत ताकतवर। तालिबान के कब्जे के बाद से हालात ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मनाएंगे जन्माष्टमी। मुख्यमंत्री का 30 अगस्त को मथुरा आगमन हुआ फाइनल। शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा सभी स्कूल और कॉलेज कर रहे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। साथ ही शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने शनिवार को शहर के महबूबा स्कूल का किया निरीक्षण। अगले हफ्ते हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। विधानसभा में 4 के नामों पर मोहर लगने के आसार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जन विरोधी भाजपा को हटाने के लिए तैयार है जनता। चपा सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा बलिया। रामलला के दर्शन करने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनके साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। गायब नवजात शिशु को मुरादनगर पुलिस एवं स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सकुशल मुक्त कराया। आरोपित हुआ गिरफ्तार। अतरौली में टेम्पो के शहर में घुसने पर लगी रोक तो भड़के बीजेपी सांसद। कहा कप्तान के जिले का मालिक है जो मन में आएगा कर देगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार। नजर हर खबर पर।